हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी बैक टू आवर चैनल कॉल्ड दुनिया एमबीए। एंड आज हम लेके आए आपके लिए इंटरव्यू सीरीज में वेरी स्पेशल गेस्ट। वी हैव विद अस प्रतीक फ्रॉम आई एम अमृतसर। बहुत सारी बातें करेंगे, उससे पहले डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर ये वीडियो पूरा देखें, बहुत इंटरेस्टिंग बातें होने वाली हैं। नाउ कमिंग टू द गेस्ट प्रतीक, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस इंटरव्यू। थैंक यू सो नाउ मच विशाल। थोड़ा सा बैकग्राउंड, जैसा मैंने बताया प्रतीक आई एम अमृतसर से है एंड राइट नाउ इज वर्किंग इन कोटक महिंद्रा बैंक, एंड बाकी चीजें प्रतीक से ही सुनेंगे। तो प्रतीक फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम, एंड सेकेंड थोड़ा सा अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को बताओ ताकि पता चले आपकी प्रोफाइल क्या है, थोड़ी सी आपकी जर्नी के बारे में, आई एम अमृतसर कैसे पहुंचे, थोड़ा उसके बाद जॉब, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन। तो हाय विशाल, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस वेरी ब्यूटीफुल सेशन एंड आई थिंक इट इज वेरी स्पेशल फॉर मी। सो आई डन माय एमबीए फ्रॉम आई एम अमृतसर एज विशाल ऑलरेडी टोल्ड यू, एंड बिफोर दैट आई एक्चुअली डोंट हैव एनी वर्क एक्स। तो मैंने इंजीनियरिंग की है, आप बहुत लोगों ने इंजीनियरिंग की होगी मेरे जैसे। तो आई डन माई इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल स्ट्रीम। तो आपको पता है कि मैकेनिकल बाद जॉब मिलना तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। आई एम ऑल्सो सिविल इंजीनियर बाय द वे। तो उसके बाद मेरा टू एंड हाफ 3 ईयर्स का अप्रोक्सीमेटली गैप आता है, एंड फिर मैं सोचता हूँ कि अभी गैप है और जॉब नहीं है, तो आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर कैट। तो मेरा कुछ अच्छे से हो जाए एंड होपफुली मुझे मेरा आई एम अमृतसर कन्वर्ट हो जाता है वो टाइम पे। एंड आई ऑल्सो हैड 13 इंटरव्यू कॉल्स फ्रॉम 13 IIMs, तो मैंने उस पे आई एम अमृतसर चूज किया था। एंड राइट नाउ आई एम वर्किंग कोटक महिंद्रा बैंक। Amazing, amazing background. So, of course, engineering is a pet, मतलब इंडिया में बोला जाता है कि जहां देखो हर जगह इंजीनियर्स हैं। So, तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्लोली। थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग चीज बताइए, आपने जैसे 3 इयर्स का गैप है, तो इंटरव्यूज में थोड़ा इस चीज को जस्टिफाई करने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा, राइट? आई आल्सो हैव 1 or 2 इयर्स, 1.5, 2 इयर्स ऑफ गैप इन बिटवीन। मेरा वर्क एक्स थोड़ा ज्यादा है, तो वो गैप थोड़ा सा मुश्किल होता है जस्टिफाई करना, राइट? यस। तो मेरा क्या होता है ना विशाल, कि मैंने इंजीनियरिंग किया और मेरे घर में सब लोग, मोस्टली मेरे पापा अंकल सब गवर्नमेंट सर्विसेज में, तो मेरा एम था कि गवर्नमेंट सर्विसेज में जाना है करके। तो इंजीनियरिंग के बाद मैंने बैंक पीओ का मतलब तैयारी शुरू किया था, बट मैं फाइनल तक जाता था, लेकिन इंटरव्यू में कई कई बार या फिर फाइनल मेरिट लिस्ट में जाने के बावजूद भी मेरा नहीं हो रहा था। तो उससे मेरा 3 ईयर पूरा जा चुका था। एज यू नो कि गवर्नमेंट एग्जाम से साल साल भर चलती है, तो प्री में फिर इंटरव्यू और उसके रिजल्ट आने में बहुत देरी है। तो वैसे मेरे 3 साल निकल गए। तो वो टाइम तो मैं बैंगलोर था, बैंगलोर में मैं कुछ IT कोर्सेज परस्यू कर रहा था कि भाई ये करके कुछ अपने जॉब वॉब मिल जाए IT, मैंने 20-25 हज़ार वाली। तो मैं उस काम में जुटा था एंड मैं एक फ्रेंड मेरा था वहाँ पे, तो ही न्यू कि मैंने थोड़ा गवर्नमेंट का तैयारी किया था, ये सब किया था। तो ही टोल्ड मी कि भाई तू ये कर रहा है, इससे अच्छा ना तू कैट दे दे, तेरा अच्छा हो जाएगा मतलब। तो फिर मैंने कैट का एग्जाम जब शुरू किया उसका तैयारी, तो आई कन्वर्टेड आई एम अमृतसर। और जब मैं इंटरव्यू में था तो ऑब्वियसली दे विल आस्क मी कि व्हाट यू हैव डन इन दोस 3 इयर्स, क्या किया क्या। तो जो सच था मैंने उनको ये बताया, लेकिन उस 3 इयर्स में आई हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक मैंने कुछ कोर्सेज परस्यू किए थे, IT कोर्सेज परस्यू किए थे, मैंने खुद से बहुत काम किया था, लाइक वो बोलते ना सेल्फ डिस्कवरी टाइप। सो आई हैव वेरी मच इनटू रीडिंग बुक एंड डन वेरियस कोर्सेज ऑन माइंडसेट, हाउ टू डू सेल्स, ऑल्सो IT कोर्सेज। तो ये सब करके मैंने मेरा मतलब एक स्टोरी लाइन बनाया था पूरा, कि वेयर आई एम कमिंग एंड वेयर आई एम एंड व्हाट आई कैन प्रोवाइड टू द इंस्टीट्यूट। तो ये सब मैंने अच्छे स्टोरी लाइन बना के मैंने वो इंटरव्यू क्रैक किया था, एंड इंटरव्यू मुझे अच्छे मार्क्स मिले थे क्योंकि आई हैव नो वर्क एक 3 इयर्स ऑफ गैप। तो इंटरव्यू मुझे काफी अच्छे मार्क्स दिए थे वो टाइम, तो इंटरव्यू से मेरा फाइनल मेरिट लिस्ट में आ गया। ओके, एंड मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, पहली बात तो सच बोलना है, ये तो एज सिंपल एज दैट। और क्योंकि दे आर वेरी एक्सपीरियंस, राइट? वो उनसे आप ना छुपा नहीं पाओगे, और छोटा मोटा ना आप उसके अराउंड कहानी बना सकते हो, आप उसके अराउंड ये दिखा सकते हो कि आपने अपने आप पे भी वर्क करा अपार्ट फ्रॉम बीइंग, बिकॉज ऑफकोर्स इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब तो ऐसा नहीं है कि दिन में आप 12 घंटे 15 घंटे पढ़ रहे हो, वो वाला एक्चुअली कहीं पॉसिबल नहीं होता। इवन तक जो UPSC क्रैक करता है उनको भी देखोगे तो 6-8 आवर्स अ डे, बट कंटिन्यूअसली इज एनफ। तो आप अगर उस चीज को जस्टिफाई कर पा रहे हैं तो वो बहुत मेरे हिसाब से सही पॉइंट है जो आपका इंटरव्यू में रहा। क्योंकि जब आप किसी चीज की तैयारी करते हो ना, मतलब एक खुद का वो मेरा एक्सपीरियंस है, अगर आप एक कोई एग्जाम में जुट जाते हो ना तो वो एग्जाम आपको पूरी तरह से चेंज करके रख देता है। मतलब यू बिकम मोर डिसिप्लिन, यू बिकम मोर अवेयर अबाउट योर टाइमिंग, योर शेड्यूल, आपको समझ जाता है कि आपको कितना टाइम स्पेंड बाहर करना है, दोस्तों के साथ करना है या फिर टीवी देखना है, तो आप अपने आप ही सीख जाते हो अपना टाइम मैनेजमेंट करना, खुद को मैनेज करना। तो आई बिलीव कि ये इंसान को अगर पता नहीं मतलब एग्जाम क्रैक हो नहीं हो, बट इट कम्प्लीटली चेंज अ पर्सनैलिटी।
दैट आई बिकेम इन आई थिंक वो प्रोसेस जैसे माई ब्रदर ऑल्सो प्रिपेयर्ड फॉर यूपीएससी इज अ क्लास वन ऑफिसर नाउ सो उसका भी एक प्रोसेस उसने मैंने मतलब मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन था आई मीन यू आर स्टडिंग अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट एंड यू आर स्टडिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट एज वेल फिजिक्स मैथ्स इस टाइप के तो वो क्यों यूपीएससी डजंट रिक्वायर दीज थिंग्स दे रिक्वायर अ जनरलाइजेशन सॉर्ट ऑफ अ थिंग तो उसने कहा कि जो आपने आंसर दिया बिल्कुल सेम आंसर वही है कि उसने कहा कि इतना सब पढ़ने के और इतना सब कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने के ना आपको एक समझ आ जाती है आपको एक तरीका आ जाता है चीजों को करने का टाइम मैनेज करने का अपने आप पे काम करने का एंड दैट्स द प्रोसेस दैट दे लुक फॉर इन इंडिविजुअल सो एक और चीज एक छोटी सी चीज इफ यू आर कंफर्टेबल विद शेयरिंग ऑफ कोर्स आपकी प्रोफाइल क्या थी 889 जैसे हम बोलते हैं ना 10th 12th ग्रेजुएशन बिकॉज ये एक बहुत बड़ा फैक्टर और बहुत कंट्रोवर्शियल फैक्टर है आई हैव फेस प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग दैट सो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गोइंग फॉरवर्ड अभी क्या जो है वो सच बोलूंगा मैं इसे सो आई डोंट हैव 888 और 999 एक्चुअली आई डोंट हैव 60% इन माय 12th ओके आई डोंट हैव 60% इन माय 12th तो है कि मेरा अगर ऐसे देखा जाए तो मेरा आता है 876 ओके डाउनवर्ड 876 वो थोड़ा इंटरव्यू में बताने के लिए बहुत ज्यादा है आई बोल सकते हो उसे 60 नहीं तो अराउंड मतलब 60 नहीं तो इट वुड बी अराउंड 50-60% राइट सो मेरा तो बता दिया बट ऐसा है कि जो भी है ना उनको मालूम तो पड़ जाता है कि भाई तेरे को 60% नहीं है राइट और ये अभी नहीं आईएम के स्टार्ट से एंड तक आपको ये डिफिकल्टी आती है कंपनीज भी आती है तो दे शॉर्टलिस्टेड इंटरव्यूज इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर दिस क्राइटेरिया तो ये तो आना ही है आई थिंक ये इम्पोर्टेंट है हमारे व्यूअर्स को भी समझना एंड दिस इज व्हाट इन जनरल इज कि आपके 10th 12th और ज्यादातर ग्रेजुएशन मेरे हिसाब से जो मेरे को फील होता है आई डोंट नो कितना सच है मतलब नॉट एवरी कंपनी डज इट बट 10th 12th 12th का थोड़ा मतलब 10th का काफी कम 12th और देन ग्रेजुएशन का सबसे ज्यादा मैटर करता है परसेंटेज ऑफ मार्क्स कि आपको शॉर्टलिस्ट आने में भी जैसा कि आपने बताया कॉलेज के ड्यूरेशन में भी सो इसी चीज पे एक छोटा सा सवाल है कि कॉलेज के ड्यूरेशन में जैसा आपने बताया तो शॉर्टलिस्ट में प्रॉब्लम हुआ था प्रॉब्लम हुआ था काफी प्रॉब्लम हुआ था मतलब वहां पे एक ना थोड़ा एक मिथ है कि सबको ऐसा लगता है कि आईएम में जाने के बाद वी विल गेट अ गुड पर्सन विद गुड पैकेज गुड कंपनीज एंड ऑल तो ऐसा नहीं होता है क्योंकि आप शॉर्टलिस्ट होते हो कई कंपनीज लाइक आई वुड से 100% में से 60-70% कंपनीज आती है वो बंदे को इस इनिशियल क्राइटेरिया पे शॉर्टलिस्ट कर देती है लाइक अगर आपको 60% नहीं है तो आप तभी रेस से बाहर हो जाओगे तो ये सच है एक्चुअली ये सच है बट ऐसा है ना कि सब कंपनीज नहीं करती है जैसे कोटक महिंद्रा बैंक आई तो उन्होंने ऐसा क्राइटेरिया नहीं रखा था एंड एक्चुअली इट वॉज माई ओनली सेकेंड शॉर्टलिस्ट मतलब 70% बच्चे हो चुका था प्लेसमेंट एंड आई वाज इन द 30% लास्ट 30% बच्चों में था तो थोड़ा सा तो वो तो लग रहता है ना थोड़ा एंग्शियस तो प्रॉब्लम क्या होगा क्या नहीं बट मुझे अंदर से लग रहा था कि इतने सारे प्रॉब्लम फेस करते आए जिंदगी में तो ये भी निकल जाएगा तो वो बिलीव के साथ हो गया कंपनी आई इंटरव्यू क्रैक किया एंड सही बात है एक और एक बहुत बड़ी मिथ है जो मैंने मतलब ये मिथ किसी ने बोली नहीं है पर से बट ये बहुत जगह हमने देखा है कि बच्चे मान के चलते हैं जैसे जो हाईएस्ट जो टॉपर होता है जो तुम्हारे एकेडमिक्स का टॉपर है एमबीए में क्या उसी के हाईएस्ट पैकेजेस लगते हैं कि मार्क्स इन एमबीए हैव नो रिलेशन टू योर प्लेसमेंट मतलब ये आपके एक्सपीरियंस से जानना चाहूंगा मैं आई वुड से इट इज नॉट 100% ट्रू इट इज नॉट 100% ट्रू क्योंकि आईएम के परसेंटेज थोड़ा वैरी करता है आईएम टू आईएम हाईएस्ट कितना है मतलब आप समझ रहे हो ना अभी आप भी आई एम पढ़ रहे हो तो मे बी आपके इधर परसेंटेज क्राइटेरिया होगा मेरे यहाँ पे सीजीपीए वाला क्राइटेरिया था अमृतसर हैज 4.33 सीजीपीए राइट 4.33 हमारा 4 के हिसाब से चलता भाई भाई तो वे वैरी करता बट आई डोंट एग्री टू दिस क्योंकि जो बंदे को सबसे हाईएस्ट सीजीपीए है मेरे कॉलेज का ही इज वेरी क्लोज टू मी एंड मेरा अच्छा दोस्त है वो तो उसका हाईएस्ट पैकेज तो नहीं है दोस्त तो जो मतलब एवरेज था ये मैं वही बता रहा हूँ ये मिथ होता है कि अपन एमबीए में जाएंगे एंड हम टॉप 10% हम बहुत ज्यादा पढ़ाई करेंगे एंड हम टॉप 10% पे रहेंगे और जो टॉप 10% की प्लेसमेंट है टॉप 10% की वो हमारी लगेगी ऐसा जनरल अजम्पशन बन जाता है लोगों का तो ऐसी बात नहीं है मतलब यू हैव टू परफॉर्म वेरी वेल देयर बट ऐसा नहीं कि जो टॉपर है उसका हाईएस्ट पैकेज होता है क्योंकि कंपनीज ना परसेंटेज के अलावा भी और सारी चीजें देखती है बंदे ऑफ कोर्स सो
क्या तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप बोलोगे एक एक एस्पिरेंट को एमबीए ज्वाइन करने के बाद जो सबसे ज्यादा फोकस रखना चाहिए इन 1-2-3 प्रेफरेंशियल ऑर्डर अपनी प्लेसमेंट्स के रिगार्डिंग? आई मीन एकेडमिक्स, केसकॉम, प्रोफाइल, क्या क्या चीजें जो कॉलेज में 2 साल वो क्या ऐसा करे कि उसकी प्लेसमेंट अच्छी हो? फ्रॉम द प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव ना, तो आई वुड से कि यू शुड प्रोवाइड सम वैल्यू टू योर इंस्टीट्यूट. मतलब आज आप अभी किसी क्लब कमेटी का हिस्सा हो, इफ यू आर अ पार्ट ऑफ एनी क्लब कमेटी ना, सो यू शुड कंट्रीब्यूट टू दैट कॉलेज फ्रेटर्निटी. कि जब आप इंटरव्यू में के पूछते ही हो लोग कि आप किस क्लब कमेटी में था थे या कि, तो यू विल से कि मैं फाइनेंस वाले में था, कुछ भी नाम हो सकता है. सो यू नीड टू टेल देयर कि मैंने क्या कंट्रीब्यूट किया था वो किसने, तो उनको ना आपका लीडरशिप स्किल समझता है, आपका टीम बिल्डिंग स्किल को समझता है कि कितना अच्छा करना. सो दैट इज द फर्स्ट वैल्यू कंट्रीब्यूशन. तो फर्स्ट वैल्यू कंट्रीब्यूशन. द सेकंड वन इज यूर प्रोफाइल बिल्डिंग. जैसे कि मैंने बोला कि मुझे 3 ईयर का वर्क था, आई डिडंट हैव एक्चुअली आई डोंट हैव 60% इन माय ग्रेड, राइट? तो वो गैप कैसे फिल करोगे आप, राइट? तो गैप फिल करोगे आप वेरियस कोर्सेज करके, राइट? वेरियस कोर्सेज लाइक इन आईटी. मतलब अभी कुछ लोग हैं जो कोर्सेज कर लेते लेकिन दे डोंट हैव इनफ नॉलेज अबाउट दैट. तो कोर्सेज करो लेकिन डीप नॉलेज के साथ करो. ये पूछेंगे कि आपने सर्टिफिकेशन किया है, तो यू शुड एबल टू टेल देम कि ऑल द आंसर एंड एवरीथिंग अबाउट दैट. सेकंड वन इज प्रोफाइल बिल्डिंग बाय डूइंग वेरियस कोर्सेज. एंड थर्ड एंड मोस्ट दैट आई वुड से कि हैविंग अ स्ट्रांग माइंडसेट. ये जैसे बोला था मैंने, क्योंकि कंपनीज आती है हमेशा, आप शॉर्टलिस्ट होंगे नहीं होंगे ये आपके हाथ में नहीं है ना, वो कंपनी करेगी कि आपको शॉर्टलिस्ट करना है नहीं करना है. तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आप शॉर्टलिस्ट हुए, तो यू शुड हैव अ माइंडसेट ऑफ विनर ऑलवेज विनर. और आई वुड से कि यू शुड हैव अ बिलीव कि इफ आई एम सिलेक्ट, इफ आई एम शॉर्टलिस्टेड फॉर अ कंपनीज इंटरव्यू, आई विल क्रैक इट. तो मुझे लगता है कि फर्स्ट वन इज वैल्यू कंट्रीब्यूशन, प्रोफाइल बिल्डिंग, एंड थर्ड वन इज बिल्ड दैट माइंडसेट ऑफ अ विनर. एंड ये जो चीज आपने बोली कि जैसे केस कंपटीशन एंड ऑल, ये एक्चुअली सब लोग करते हैं. आई मीन जाने के बाद यू नो कि कोई कंपनी कोई आया बड़ा वाला कंपटीशन, तो हर लोग उसमें हिस्सा लेते हैं. दैट इज वैल्यू एडिशन, आई वोंट से दैट. बट ये तीन तीन मुझे मेजरली इंपॉर्टेंट लगते हैं मेरे हिसाब. तो आई थिंक यू वांट टू से कि ये सारी चीज तो करनी ही करनी है, ये तो रूटीन की चीजें हो गई बात जाने के बाद. ये तीन चीज है जो आपको स्टैंड आउट करेंगी हर जगह से, स्टैंड आउट करेंगी, राइट? ऑफ कोर्स, वेरी वेल पुट. सो कमिंग टू आई एम अमृतसर, कैसी जर्नी रही आई एम अमृतसर की, क्या रहा? मतलब एमबीए क्या होता है ना कि अब मैं समझता हूँ कि एक बार जाने के बाद बाहर से दुनिया अलग लगती है, एक बार अंदर घुसने के बाद दुनिया ही अलग पलट हो जाती है. तो इट सडनली बिकम्स अ रोलर कोस्टर टाइप ऑफ अ थिंग. एकदम से 10 चीजें आ जाएंगी, एकदम से एक्सपीरियंस ही अलग रहता है, राइट? खासकर रेजिडेंशियल एंड आईएम प्रोग्राम्स का. सो टेल मी समथिंग्स अबाउट योर जर्नी एट अमृतसर. तो क्या हुआ था ना, सबसे पहले तो मैं जानना बोलना चाहूंगा कि मुझे जो महाराष्ट्र में हमारे आया ना आईएम नागपुर, वो भी मिला था. बट द थिंग इज कि आई वांट टू एक्सप्लोर दैट नॉर्थ साइड एंड पंजाब बेसिकली. तो इसलिए मैंने आईएम अमृतसर चूज किया. फिर वहां पे जाने के बाद एक्चुअली हमारा परमानेंट कैंपस नहीं है, इसलिए नो वी आर डूइंग आवर क्लासेस इन लीज बिल्डिंग, जो वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ पे हमारे क्लासेस चलते हैं. तो बैक टू योर क्वेश्चन, तो जर्नी वॉज सो ब्यूटीफुल. आई मेड अ लॉट ऑफ कनेक्शन विद फैकल्टीज, विद आई गॉट अ न्यू फ्रेंड, एंड मुझे वहाँ पे कल्चर समझा कि कैसा है. एंड वो मेस का खाना, रोज सुबह उठना, क्लासेस जाना आना, एंड दैट क्लब इंटरव्यू प्रिपरेशन, जैसे क्लब कमिटीज एक्टिविटीज. So it was all full with joy and okay. So excited तो था, but क्या क्या problems face करी? मतलब कुछ चीजें होती ना कि problems actually कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आपको अगर ये बता देते तो अपन अच्छा कर लेते हैं जाने के बाद. So उस type की tips अगर कुछ aspirants को दे सकते हो. अगर यार मैं जगह की बात करूंगा तो अमृतसर was good, but it is not so safe in night, but that is a different issue. But अमृतसर is a very good and beautiful city. वो तो and yeah. So I would say कि किसी like I am talking about I am Amritsar here. तो ऐसा जरूर नहीं कि आपको पंजाबी आनी चाहिए. That is the first myth the people have कि we should know पंजाबी, we should able to speak पंजाबी. तो ऐसा कुछ नहीं है. But मैं चाहूँगा कि मैंने कुछ problem face किए थे कि सबसे बड़ा problem आता है traveling वाला issue. क्योंकि ये थोड़े college ना outskirts में रहते हैं. हाँ जी. तो समझ आ रहा है ना? I know. So, 10-15 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम सिटी, वहाँ पे जोमैटो स्विगी भी नहीं आता है. तो मतलब आते हैं बट बहुत देर में आते हैं. एंड बहुत लोग तो ना होम सिकनेस वाला इशू रहता है, क्योंकि घर मेजरली जो मेट्रो सिटीज से आते हैं ना, क्योंकि उन्होंने सब कॉलेजेस अपने सिटी में किए रहते हैं, घर का भी छोड़ा नहीं रहता है, तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है पहले पहले. एंड थर्ड मैं बोलूंगा कि आईएम में जाने के बाद ना थोड़ा हेक्टिक वीक ज्यादा रहता है, स्ट्रेस वीक जिसे हम बोलते हैं.
जो हमारे सीनियर समय हमसे करवाते हैं कि क्लब कमिटी में सिलेक्शन हो रहा होता है तो बहुत सारे एक्टिविटीज करवाने होते हैं एंड कंप्लीट भी करने होते हैं साथ ही साथ, एंड ऊपर से प्लेस तो स्ट्रेस तो बहुत ज्यादा होता है मुझे लगता है फर्स्ट ईयर में 2-3 महीना। स्टूडेंट शुड बी अवेयर अबाउट ऑल दिस थिंग कि आई एम की लाइफ अच्छी तो है लेकिन थोड़ा स्ट्रेस भी है फर्स्ट ईयर में 2-3 मंथ इनिशियली, फिर बाद में तो सब सही हो जाता है, आदत हो जाती है। बाद में सही नहीं होता, आदत हो जाती है, बिल्कुल सही होता है, यू जस्ट गेट यूज्ड टू इट। सो एक और चीज आपने ना बोला जो कंट्रोवर्शियल चीज रहती है, प्ले स्कॉप। सो So, how was your experience with PlaceCom, activities of PlaceCom, the importance of PlaceCom and कैसे आपके placements conduct हुए, थोड़ा सा insights उसके बारे में अगर आप दे सकते हैं तो। जैसा लगता है कि हम लोग का PlaceCom काफी अच्छा था, I am not telling this कि because they are my senior, but actually they are very good, they are very helping. You were not from PlaceCom, right? But I am afraid of them and everything. So they are my colleagues and friends right now, but काफी अच्छे थे हमारे सीनियर प्लेसकॉम। उन्होंने थोड़ा कल्चर में चेंज लाया था कि वो लोग ना ऐसा होता है कि प्लेसकॉमर थोड़ा ईगो एंड ऑल वो बोस्टिंग वगैरह होता है ना, अपन बात नहीं करेंगे, थोड़ा बोस्ट करेंगे कि वी आर प्लेसकॉमर एंड ऑल, तो वैसा सब कुछ नहीं था आई एम अमृतसर में, इट वॉज अ वेरी चिल इन्वायरमेंट। बट एक ही उनको ना थोड़ा वो मेंटेन करना पड़ता है कि बच्चे उनके सुनेंगे करके, थोड़ा डिसिप्लिन में करेंगे, तो दे नीड टू डू दैट। बट ऐसा है कि प्लेसकॉमर वॉज टू गुड and they were helping us to crack the interviews as well. और कोई अच्छी कंपनी आती है तो वो मतलब थोड़ा बोलते थे कि भाई प्रिपेयर करो, अच्छी कंपनी है, अच्छा पैकेज है, तो दे वेर ऑल्सो मोटिवेटिंग अस दैट टाइम। बट ये कि वो कॉन्ट्रोवर्शियल है बहुत कॉलेजेस में, लेकिन आई एम अमृतसर में प्लेसकॉमर इज एक्चुअली टू गुड एंड कंट्री मतलब हेल्पफुल है बहुत ज़्यादा। चलो प्लेसकॉमर की बात होगी, अब आते हैं असली ट्रक्स पे, जो कि जिसपे कि बहुत सवाल भी उठते हैं और जिसपे बहुत डाउट्स भी आते हैं, प्लेसमेंट्स ऑफ अ कॉलेज। बोली जाती है तो किस हद तक ये चीजें सही है, किस तरह की प्लेसमेंट, कौन कौन सी कंपनी आएगी, कुछ लाइट अगर आप दे सकते हो तो। ये तो रहता है यार, मतलब हम किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते तो प्लेसमेंट रिपोर्ट तो ऑब्वियसली हर बंदा देखता है, राइट, क्योंकि यू आर पेइंग अ ह्यूज फीस, बिल्कुल, तो आपको तो आरओआई चाहिए रहता है उस वहाँ पे। तो अगर मैं आई एम अमृतसर की बात करूँ तो प्लेसमेंट वाज अराउंड 17 एलपी है, राइट, एवरेज पैकेज देखा तो 17 एलपी है अभी। हाँ, आपके वाले बैच का रिपोर्ट आई थिंक 16.5 का आया था। हाँ, भाई 16 पॉइंट कुछ तो है, तो मैं अप्रोक्सीमेटली 17 एंड हाईएस्ट पैकेज वाज अराउंड 40 एलपी है, जो मेरे दोस्त को मिला है जो कि यूएई या फिर यूएई में है उसका जॉब पे ही था, सऊदी अरेबिया में लगा है उसको, तो दे वर गिविंग हिम अराउंड 40 एलपीए, तो आई थिंक इट इज द हाईएस्ट पैकेज। तो बोला जाए कि आई एम अमृतसर का जो भी रिपोर्ट है प्लेसमेंट रिपोर्ट इज ऑल ट्रू, क्योंकि मैंने खुद देखा है, क्योंकि एवरेज पैकेज सबको तो अराउंड उतना ही मिल रहा था, 16-17-18, तो आई बिलीव कि एवरेज पैकेज वो ठीक है जो लिखा है उन्होंने, बाकी कॉलेज पे आई कांट कमेंट, बाकी बट कुछ ऐसा बता सकते हो 80-20, 70-30 मतलब इन हैंड और सीटीसी के ब्रेकअप में इन जनरल। तो इश्यू नो सीटीसी में दो टाइप होते हैं, एक फिक्स और एक वेरिएबल, राइट, बिल्कुल, और सीटीसी दोनों को पकड़ के अपन मतलब गिनते हैं, दोनों को मिला वेरिएबल प्लस बोनस वगैरह, 1 ईयर बोनस, 2 ईयर बोनस, ज्वाइनिंग बोनस, रिटेंशन बोनस, राइट। तो मेजरली जो भी कंपनीज आई थी उनमें जो वेरिएबल कंटेंट था ना वो छोटा था, मतलब इट्स नॉट ह्यूज की भाई 40-60 है, 40 मंथ फिक्स 60, ऐसा नहीं था, आई वुड टेल यू 80-20, इट वुड बी अराउंड 80-20 फिक्स्ड वेरिएबल सीटीसी। और वेरिएबल क्या परफॉर्मेंस बेस्ड वाले कंपनीज आते हैं कि जैसे अगर एक आधा आप एग्जांपल दे सकते हो तो किसी कंपनी का? हाँ, तो एग्जांपल मैं कंपनी का नाम तो नहीं ले सकता, बट वन कंपनी केम टू माई कॉलेज, तो दे वर गिविंग अराउंड 17 एलपी सीटीसी, तो 17 में उनका ऐसा मतलब 15 फिक्स था, 15 फिक्स था और 2 वेरिएबल बोल सकते, लेकिन वो वेरिएबल कैसा था ना, तो एट द एंड ऑफ 1 ईयर उनको मिलने वाला है, मतलब वो 1 ईयर रिटेंशन बोनस, मतलब इट इज या रिटेंशन बोनस या जॉइनिंग बोनस, तो इट इज आई वुड से फिक्स ओनली, क्योंकि पूरा का पूरा उनको मिलने ही वाला है एट द एंड ऑफ 1 ईयर।
So that's why I'm telling you कि it is around 80-20, it's not a huge gap between fixed and variable. हाँ तो सही बात है, वो तो डिसेंट है. कमिंग टू किस टाइप की, मतलब कुछ स्लाइड बता सकते हो किस टाइप की कंपनीज आती है अमृतसर में, कैसा रोल? और इससे पहले एक छोटा सा मतलब एक क्वेश्चन था जो मेरे को पहले पूछना चाहिए था, थोड़ा सा कोटक महिंद्रा में आपका क्या रोल है, रोल के बारे में स्पेसिफाई कर सकते हो? ऑफकोर्स आई मीन दैट वुड बी रूड, बट इफ यू वॉन्ट यू कैन टेल द कॉम्पनसेशन एज वेल, बट आई एम नॉट आस्किंग फॉर यू. आई नो दैट. कोटक महिंद्रा बैंक एक्चुअली लास्ट लास्ट में आई थी मेरे कॉलेज में, एंड आई वाज, तेरे को तो पता है, बोला ही था मैंने कुछ टाइम पहले कि आई वाज इन द लास्ट 30% बैच कोटक महिंद्रा बैंक का. एंड इंटरव्यू हुआ, एक ही राउंड हुआ था, एक ही राउंड हुआ था, बस मेरा इंटरव्यू 10 मिनट का चला था. 10 मिनट के इंटरव्यू में दे आई गॉट सिलेक्टेड. एंड कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, तो अभी कोटक महिंद्रा ने हम लोग को टोटल 7 पीपल गॉट सिलेक्टेड फ्रॉम माई कॉलेज, एंड वी आर एमटीज नाउ, मैनेजमेंट ट्रेनिंग. तो मोस्टली हमारा 1 ईयर जो पीरियड है ना, ये प्रोबेशन का पीरियड है, और यहाँ पे हमें बस सीखना है, लर्न करना है वेरियस चीजें. एंड द रोल बेसिकली रिक्वायर मार्केटिंग, सेल्स एंड फाइनेंस नॉलेज, ओके, क्योंकि बैंक मार्केटिंग ऑब्वियसली फाइनेंस, या ऑफ कोर्स, मार्केटिंग फाइनेंस आई मीन सेल्स. दीज आर द टू, दीज आर द थ्री थिंग्स दैट अ बैंक वर्क्स इन. आई मीन बट फ्रंट एंड रोल है, मतलब मार्केटिंग में थोड़ा सा सेल्स तरफ का रोल है कि थोड़ा सा हार्डकोर मार्केटिंग रोल है? हार्डकोर मार्केटिंग रोल तो नहीं है ऑब्वियसली, इट इज नॉट कम्प्लीटली सेल्स रोल एज वेल, आई मीन थोड़ा बट सा इधर भी बोलूंगा कि सेल्स तरफ थोड़ा ज्यादा लीन हो जाता है, हाँ जी, क्योंकि एट द एंड ऑफ यू आर एक्चुअली सेलिंग योर प्रोडक्ट, बैंक प्रोडक्ट टू द कस्टमर. अभी क्लाइंट्स भी डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं ना, कोई HNI रहते हैं, हाई नेट इंडिविजुअल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. रिटेल बैंकिंग जो आता है अलग सेगमेंट आता है, जो हम बैंक में ब्रांच में जाते हैं ना, तो आपको हमारा काम वहां पे सेंड नहीं. तो वी आर यू नो रिटेल बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, सो यू आर मोर टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट एंड कमर्शियल वर्किंग टुवर्ड्स हाई नेट इंडिविजुअल, हाई नेट कॉर्पोरेट बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग बेसिकली जैसे आप कह कॉर्पोरेट रहे हैं. बैंकिंग बोल सकते हैं. सो अमेजिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एंडेवर्स, नाउ यू कैन कंटिन्यू ऑफ अस. तो रोल तो मैंने बोल दिया, इज मेजरली रिक्वायर मार्केटिंग, फाइनेंस एंड सेल्स स्किल्स. एंड फर्स्ट ईयर इज फुल प्रोबेशन एंड ट्रेनिंग पीरियड, जिसके बाद हमें थोड़े टारगेट्स मिलेंगे. टारगेट ऐसा नहीं कि हार्ड कोर टारगेट है, बिकॉज ये कॉर्पोरेट बैंकिंग में ना टारगेट थोड़े हाई लेवल के, राइट, इट्स नॉट इन लाख, इट्स इन करोड़. तो वो कन्वर्ट करने में ना टाइम ज्यादा लगता है, सो इट इज नॉट कि बहुत ज्यादा सेल्स करना है एंड ऑल, इट इज लाइक सो इजी, मतलब इजी नहीं बट रिलैक्स है, मतलब यू कैन गो टॉक. आपको एक या दो लोगों पे अच्छा ना इस पे डील कर रहे हो, तो मतलब एक भी आ गया तो अच्छा खासा पैसा आ जाएगा. या इट्स दैट वे ओनली, बट दैट इज टू थोड़ा मुश्किल हो जाता है वो करना भी. ऑफ कोर्स इट्स डिफिकल्ट. इजी होता तो मतलब आई मीन दे वुडंट हैव बीन पेइंग सो मच फॉर दैट जॉब. अगर इजी होता तो वो कहते खुद ही कर लेंगे. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एंडेवर्स. एक छोटा सवाल मेरे दिमाग में आया अभी जब आपने बोला प्रोबेशन. सो प्रोबेशन के टाइम भी सैलरी सेम रहती है कि कुछ कुछ 75% 80% ऐसा कुछ देते हैं? सैलरी जो लिखा है आपको उतना ही मिलने वाला है, इट इज डजंट मैटर. हां, इट डजंट मैटर कि प्रोबेशन है या फिर फुल टाइम आप वर्क कर रहे हो एज अ मैनेजर. हां बस, सो इट इट डजंट वेरी, इट्स सेम, इट इज सेम फ्रॉम द टेबल. सो प्रतीक, ये तो हो गया कि जॉब रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बाकी कैसे चल रहा है? थोड़ा सा कि अच्छा चल रहा है, काम में मजा आ रहा है कि हाउ ट्रांजिशन, बिकॉज इट्स योर फर्स्ट जॉब, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन स्टार्ट हो गया. तो एंड सेकेंड की कैसा चल रहा है, कैसा लग रहा है कि एकदम से कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस अपना थोड़ा सा शेयर करो? यार कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस आई वुड से कि अभी तो ठीक चल रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है मेरे रोल में फिलहाल तो. बट आई वुड से कि ये लाइफ ना बहुत ज्यादा डिफरेंट है कॉलेज लाइफ से, एंड आपको थोड़ा सा मतलब टाइम लगता है ये लाइफ स्टार्ट करने में, क्योंकि आप बहुत आराम से जीते आ रहे हो, क्लासेज जा रहे हो, आ रहे हो, कभी बंक कर रहे हो, कभी नहीं जा रहे हो, कभी 2 बजे उठ रहे हो, तो यहाँ पे ऐसा नहीं चलता. यू हैव टू वेक अप, यू हैव टू गो, एंड इफ यू आर इन द मुंबई देन यू हैव टू ट्रैवल बाय लोकल. तो मतलब डिपेंड सिटी टू सिटी, बट इन मुंबई में तो थोड़ा ट्रैवल तो हेक्टिक हो जाता है, उसमें कॉर्पोरेट लाइफ वो थोड़ा मतलब है, मुश्किल है थोड़ा कॉर्पोरेट लाइफ. चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स. एंड नाउ एक और चीज जो मेरे को थोड़ा सा पूछनी थी, कौन कौन सी कंपनीज और किस किस रोल्स के लिए जनरली अमृतसर में जाती हैं कंपनीज? आई मीन हर एक कॉलेज का होता है ना, जैसे थोड़ा आई एम त्रिची को बोला जाता है फाइनेंस हैवी, आई एम टी गाजियाबाद इज मार्केटिंग हैवी, माइका इज मार्केटिंग. सो आई एम अमृतसर कोई ऐसे पर्टिकुलर है कि जनरली सारे तरह की कंपनीज आती हैं? और अगर आती है तो कौन कौन सी कंपनीज क्या क्या रोल दे के जाती हैं? मेजरली तो अमृतसर में मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छी कंपनी आती है, वेरी श्योर, मार्केटिंग एंड सेल्स रोल के लिए. फाइनेंस के लिए भी अच्छी आती है, लाइक फाइनेंस के लिए बैंक वगैरह तो
आते ही है फिलहाल, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक इज कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम आई बिलीव फॉर फाइनल प्लेसमेंट। तो ऐसा है कि अभी फाइनेंस के लिए भी अच्छे कंपनीज आई थी मेरे टाइम पे तो, लेकिन मेजरली मार्केटिंग एंड सेल्स दैट आई वुड से, एंड कुछ कंपनीज के है? नाम तो EY ठीक है बड़ा नेम, एंड बिग फोर में कौन कौन सी कंपनी आती है और तो आपको याद PwC, होगा, हाँ PwC आई थी, EY आई थी, एंड एक और अच्छी कंपनी है उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, बट इट इज मतलब डेलॉइट भी आई थी, डेलॉइट भी आई, मतलब ऑल बिग फोर कंपनीज में तो मोस्टली सब कंपनीज चारों कंपनी आई थी शायद, कोई बचा है क्या इसमें, KPMG KPMG, भी आई थी, तो ऑल बिग फोर थी सारे शायद, कंसल्टेंट कंसल्टिंग रोल दे रही थी। सारे कंसल्टिंग रोल दे रही थी, पैकेज डिफरेंट हो सकता है बाकी IIM से, बट रोल कंसल्टिंग ही था अच्छा या क्या, ठीक तो है, मेरे टाइम पे तो अच्छी कंपनी आई थी सभी सभी अच्छी कंपनी थी बिग नेम, पैकेज का थोड़ा रेंज भी बता सकते हो कि नहीं? लाइक पैकेज सर बिग फोर है, बिग फोर है तो पैकेज थोड़ा वैरी करता है, बट आई वुड से अबाउट 15 तो दिया था सबको, 15 लाख से ऊपर तो दिया ठीक था, और है। रोल भी काफी अच्छे थे, रोल भी काफी अच्छे अच्छा, रोल इज कंसल्टिंग ओनली, राइट? सो कंसल्टिंग। चलो, ये तो हो गया प्लेसमेंट्स का बात। ऑल इन ऑल, मतलब एक जनरल बस लास्ट सवाल सॉर्ट ऑफ है कि ऑल इन ऑल आई एम अमृतसर, क्या जितनी एक्सपेक्टेशन थी? देखो, एक तो नॉस्टैल्जिया होता है, बी प्रैक्टिकल अबाउट दैट। एक जिस कॉलेज से पास आउट हो ना, एक बार जब पास आउट हो जाते हो ना, तो उसके बाद ये लगता है यार कितना भी बुरा था तो अपना ही। बट एब्सोल्युटली ये हाँ, ये होता एग्जैक्ट है, बिकॉज यू हैव वेरी गुड मेमोरीज जो उससे जुड़ी हुई है। बट अगर आप, मैं बोलूं अनइमोशनल होके, एक प्रैक्टिकली आपको बोलूं कि आई एम अमृतसर कैसा रहा, जस्ट गिव इट अ रेटिंग, मतलब जो आपने एक्सपेक्ट किया था, एंड मतलब ऑनेस्ट रिव्यू टाइप ऑफ अ थिंग। अगर मान, आई नो थोड़ा नॉस्टैल्जिया, मतलब आई मीन आई आई जब तक कॉलेज में हो तब तक उसके लिए गालियां बेशक निकल जाए कभी कभार, अभी क्या है कॉलेज, ये कैसा कॉलेज है, ये नहीं करता वो नहीं। बट एक बार बाहर निकल जाता ना, फिर यूँ लगता है यार जो भी था तो अच्छा। रेट कर रहा है यार, पता नहीं कैसे लगेगा, बिकॉज अपना कॉलेज है तो अच्छा लगता है, आउट ऑफ 10 कितना रेट करोगे, लाइक ये तो अपना ही लाइक, बट आई नहीं वुड से कि माय ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज गुड, वहां पे क्राउड होता है वो भी अच्छा होता है, पर हमारे टाइम पे एक था कि जेंडर रेशियो थोड़ा हिला हुआ था, लाइक माय टाइम जेंडर रेशियो वाज लाइक 92-8, 92-8, 92-8, तो 8% लड़कियां भी और तो कोई नहीं। थोड़ा रहेगा दिल में अच्छा, एंड तुम्हें तो ज्यादा रहेगा, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ भाई, तो यस तो पहले से आ रहे हैं फंडों में अच्छा ही भाई चले आ रहे हैं पहले चलो, से, तो दैट इज अ फनी पार्ट दैट इज हो ऑन द गई, लाइटर लेकिन साइड। बट आई वुड से कि अगर मुझे रेट करने था, ओवरऑल रेट करने था, तो बस मुझे इतना है कि परमानेंट कैंपस सही था हम लोग का, तो वो लाइफ हम नहीं जी पाए कि भाई कॉलेज भी उधर ही है, हॉस्टल भी उधर ही है, खाना भी वहाँ पे है, बस वी हैड टू वो ट्रैवल, तो हमारे हॉस्टल टू कॉलेज, तो वो एक चीज थोड़ा मिस कर गया हमें, फिर मैं 10 out of 6.5 देगा, 0.5 एंड मतलब एक बिल्कुल लास्ट का भी, एक लास्ट पार्ट कर देते हैं चलो, ये कि एक अच्छी चीज जो आपको अपने कॉलेज के बारे में बहुत अच्छी लगी, और एक बुरी चीज जिससे मतलब आप काफी परेशान, जो आप मतलब यू वर डिसअपॉइंटेड अबाउट दैट थिंग, तो वो अगर शेयर कर सकते हो तो। कॉलेज के बारे में तो सभी अच्छी चीज है यार, वो भी मेरे को ऐसा था ना, मेरे को मेंटर बहुत अच्छे मिले वहाँ कॉलेज में, एक वहाँ पे एक वर्तिका मैम चढ़ गए, तो शी बिकेम माय मेंटर, और मेरे मेंटर वो बंदी बंदा कुछ है नहीं, कुछ खड़ा तो कुछ है नहीं लाइफ, फिर भी उन्होंने मेरा अप एंड डाउन से काफी साथ दिया, मेरे को अच्छे से मतलब गाइड किया उन्होंने, और उससे कि मुझे मेंटर काफी अच्छे मिले, तो दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ आई एम अमृतसर, एंड द सेकंड पार्ट मतलब जैसे ही बोला आपने कि कौन सी चीज आपको अभी थोड़ा दर्द दे रही है, तो जैसे कि मैंने बोला कि हमारा परमानेंट कैंपस नहीं था, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मतलब रह गया कि वो हम नहीं जी पाएगा, मतलब इट्स नॉट कि है दिल में बट बट आई है आई बहुत ज्यादा, अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड। चलो, तो आई होप आपको मतलब हमारे व्यूअर्स को बहुत इंसाइट मिले होंगे आई एम अमृतसर के बारे में, एंड इट वाज अमेजिंग, इट वाज फन टॉकिंग टू यू प्रतीक, मजा आ गया बात करके, एंड आई थैंक होप यू यू ऑल द बेस्ट, आई होप यू ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू जॉब। एंड इफ एनी कुछ लास्ट कहना चाहोगे व्यूअर्स से, कोई सजेशंस? जो अभी आई एम में जाने वाले हैं उनके लिए कहना चाहता हूँ, क्योंकि हम बात कर रहे थे बस जिनको आई एम में जाना है, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ जो आई एम में अभी है फिलहाल, तो मैं ये बोलूंगा कि ऑलवेज ना हमेशा बस प्लेसमेंट के बारे में सोचो, लेकिन हमेशा पैकेजेस, इसको इतना पैकेज मिला, उससे इतना पैकेज मिला, उसके बारे में मत सोचो, आई वुड से कि पूरा लाइफ जियो, आप दोस्त बनाओ, अपना कम्युनिटी बनाओ, अपनी क्लब कम्युनिटी के काम कर रहे हो उसको एक लेवल पे लेके जाओ,
क्योंकि ये सब चीजें ना लॉन्ग टर्म में काम आती है। लाइक जैसे मैंने बोला कि मुझे मेंटर अच्छे मिले, तो दे आर विथ मी राइट नाउ ऑल्सो, तो वैसे कनेक्शन बना हुआ पे जाए। एंड बस वही है कि बस मतलब ऐसा प्लेसमेंट के पीछे भाग मत भागो ज्यादा, सब कुछ करो, गेम्स खेलो, अपना पर्सनैलिटी डेवलप करो, स्पीकिंग एबिलिटी अच्छा करो, आई वुड से डेवलप द ओवरऑल पर्सन। आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज बोली और ये मैं भी एग्री कर रहा हूँ कि आई मीन कि हाँ प्लेसमेंट जरूरी है, हाँ उसके आपको, बट आई थिंक कि आपको सभी चीज में इन्वॉल्व होना चाहिए. मतलब यू हैव टू बी इन्वॉल्व इन दैट रिगरस एकेडमिक्स ऑल्सो, यू हैव टू बी इन्वॉल्व इन स्पोर्ट्स ऑल्सो. मतलब हर चीज जो आप करना चाहते हो, इट्स योर लाइफ. मतलब ये 2 साल बहुत ही प्रेशियस होने, मतलब आई आई कैन से इट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस एज वेल. आई हैव डन थिंग्स लाइक डांस, लाइक सिंगिंग, विच मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता मेरे दुनिया बिकॉज से वो पहले कर। बिकॉज आई एम फ्रॉम अ स्पोर्ट्स बैकग्राउंड. मेरे को फुटबॉल, मेरे को भागना दौड़ना और चीजें उठाना, ये सब चीजें समझ में आती है, बट सॉफ्टवेयर स्किल्स मेरे को समझ नहीं आते. बट यू हैव टू एक्सपीरियंस दैट. मतलब वो आपको वैसा प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिलेगा. सो तो क्या होता है एमबीए के बाद हम ज्यादा करके कोई पढ़ाई नहीं करते, मोस्ट दिस प्रायोरिटी इज द करते हैं लास्ट, बात दिस इज आई थिंक द लास्ट. के बाद हम सारे काम शुरू करते हैं, कॉर्पोरेट में आते हैं, पैसा कमाना शुरू करते हैं। आई थिंक दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ योर एग्जैक्टली लाइफ, आपको जहाँ पे आप तो वो बच्चा बन एनवायरमेंट के, अच्छा बन के जी सकते हो अपनी लाइफ आपकी कोई भी एज हो, बट आप उस मतलब एंड यू हैव में। द मैच्योरिटी आल्सो, उस मैच्योरिटी के बाद वो बच्चे बनने की, अमेजिंग. हाँ सो थैंक यू। आई होप यू आवर व्यूअर्स हैव गॉटन वेरी गुड इंसाइट्स फ्रॉम दिस इंटरव्यू. प्रतीक, वंस अगेन थैंक यू प्रतीक. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. अगर आपको कोई भी सवाल है, यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. एंड अगेन सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच कंटेंट. थैंक यू अगेन. थैंक यू प्रतीक. वी होप यू ऑल द बेस्ट. मैं से बोलना चाहूंगा कि अगर दे कैन कनेक्ट विद मी माय लिंक्डइन प्रोफाइल, जो मेरा नाम है वही वहाँ पे भी है, तो यू जस्ट नीड टू सर्च एंड सब्सक्राइब करो चैनल को एंड डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू मिस्टर। अगेन प्रतीक से जुड़ने के लिए लिंक्डइन पर उनसे कनेक्ट कर सकते हो. नाम है प्रतीक अवसर मोल. आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट एंड स्पेलिंग आप देख पाओगे स्क्रीन पे. वंस अगेन थैंक यू. बाय बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.